अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। हाँ तो दोस्तों, आज की अपडेट के लिए मैं मंडी आ गया हूँ। और आज की अपडेट यही है कि देखिए, मंडी के अंदर जो है ये पार्किंग की जगह की सफाई हो गई और ये मंडी के अंदर ऑफिस भी आगे रख दिए गए इधर, ये कंटेनर वाले ऑफिस। और अभी यहाँ पे आगे चलते हैं। इस पूरे रोड की सफाई ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई है और ये दूसरी तरफ भी सफाई शुरू हो गई है। ये देखिए, इधर खुदाई वगैरह चल रही है, हो सकता है इधर पानी का टैंक वगैरह बना रहे हो। ये VIP ब्लॉक्स वाला पट्टा, इधर भी सफाई वगैरह हो रही है। ये ऑलमोस्ट ये वाली साइड पूरी सफाई कर दी है। अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि कितना हमारा लोड होगी अब तक के। और ये मंडी के अंदर जो है ये होटल भी बनना शुरू हो गया। ये देखें, ये भी इंशाल्लाह एक दो दिन में तैयार हो जाएगा। और ये सामने ऑफिस भी बनना शुरू हो गए। और अभी यहाँ से टर्न करते हैं आगे, जहाँ पे माल उतरा हुआ उधर की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये है मंडी की जगह जहाँ पे हम माल उतरा है। इधर चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं। और ये पूरा एक ओवरव्यू है कि ये जो अब तक के माल अनलोड हो गया वो सब ये है। अब इधर नीचे उतरते हैं और माल क्या रेट है मंडी के अंदर। तो ये सेकंड और थर्ड ट्रॉलर का माल है, ये सारा बंदा हुआ है। और अब आगे की तरफ चलते हैं, जो आगे नया माल उतरा है वो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये है जो माल, जो इनका तीसरा ट्रॉलर भी आया था वो ये पीछे की तरफ खड़ा हुआ माल बता रहे हैं। बाकी ये इनकी बछड़ियाँ वगैरह, ये इनके कुछ छोटे जानवर भी हैं। ये इनकी छोटी बछड़ी ये। हाँ तो दोस्तों, ये है वो पंजाब के ट्रॉलर जो अनलोड हुए थे। बाकी ये रफाकत भाई वाला माल है, ये सब इनके ट्रॉलर आए हैं। ये सारे जानवर अभी चारा खा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे एक और व्यापारी भाई के पास आया हूँ। ये बैठे हैं व्यापारी भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम मीर मोहम्मद है। कहाँ से लेकर आया माल अपना? जिला कश्मीर से। जिला कश्मीर से कितने जानवर लेकर आए? 26 जानवर। तो फिर रेट मुनासिब है इंशाल्लाह। तो चले बताए, सबसे पहले ये बच्चियाँ सारी आप ही की खड़ी हुई है? जी जी। तो सबसे पहले जो बछड़ी बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, इसके पैसे बताएं? 4.5 लाख रुपए। इसके 4.5 लाख रुपए। दांतों में कितनी है ये? दो दांत। और वजन के अंदर? वजन पता नहीं है। वजन नहीं पता, बस जो है ये सामने। हाँ ये सामने। ये तो होगा आपके मांगने वाले रेट। अब इसमें मोहब्बत कितनी करेंगे? मोहब्बत 10-20 हज़ार कम होंगे। 10-20 हज़ार? हाँ। या जब खरीदार आएगा, जब जो रेट लगाएंगे फिर उसके हिसाब से सौदा करेंगे? सौदा ऐसे ही बता रहा हूँ, वैसे ही होगा। अच्छा, जो इसके पीछे खड़ी हुई है सफेद वाली? हाँ जी, ये दो दांत है। ये भी दो दांत है। और ये दांत? और इसके 5 लाख। इसके 5 लाख? जी। 50 हज़ार बढ़ गए इस पे? वो और चीज है। वो तो और चीज है। अच्छा, ये जो बैठी हुई है चीज पे अपने डिमांड है। अच्छा, और ये जो बैठी हुई है इसके 5.5? इसके 5.5। और जो इसके उधर है? इसके 4.5। इसके 4.5। और ये जो पीछे वाले बंदी हुई है इनका बता दें। ये जो पीछे बंदी हुई है सारी बछड़ी के जो अबलग नहीं है जी, ये जो अब लग है वाइट वाली जी, 6 लाख रुपए। इसके 6 लाख रुपए। और ये लाल वाली के 4.5 जो खड़ी हुई है उसके 5.5। उसके 5.5। दांतों में सारा माल आपका दो है? दो चार जो है। और ये जो बैठी हुई है चितकबरी जी, 6 लाख रुपए भैया। इसकी और जो खड़ी हुई है? इसके 4.5। अच्छा, जो दो काली बैठी हुई है जी, इसके इधर इनके क्या मांग रहे हैं? एक काली जो उसका मुंह सफेद है, मुंह सफेद देखिए, हाँ उसका 380। उसका 380? हाँ, उसके 370 है। इस वाली पर लीजिए, इसके 370 मांग रहे हो, बराबर वाली के 380। जो काली वाली है वो थोड़ी छोटी बच्चियां नहीं है? अच्छा, छोटी सी रेट में मोल दिया ना अपने हिसाब से। फिर कम बेश कितनी कर देंगे उस पे, एक अंदाजा बताया कि यार मैं इतने ज्यादा इस पे मांग रहा हूँ ना। ज्यादा नहीं मांगते, 10-15 हज़ार कम होंगे, इससे ज्यादा कम तो नहीं होंगे। इससे ज्यादा कम नहीं कर नहीं मांगते जी। बाकी और माल अभी लाएंगे या बस यही? नहीं, हमारे अपने बस यही है। अल्लाह खैर से ये बिक जाए बस इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिक जाएंगे। चले, अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह शेयर कर दे, फोन नंबर? नहीं, कॉन्टेक्ट नहीं है कोई भी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।